हेलो फूडीज, मैं हूँ अर्चना और आज मैं जो लंच में सब्जी बना रही हूँ उसको बनाना बेहद आसान काम है। फटाफट बन के रेडी हो जाती है, बहुत ही इजी प्रोसेस है। और ये जो सब्जी हल्की सी खट्टी, हल्की सी स्पाइसी और फटाफट बनती है, और इसको आप इंजॉय कर सकते हैं गर्मा गर्म दाल चावल के साथ, मगर मेरा पर्सनल फेवरेट है गर्मा गर्म पराठे के साथ। तो कुंदरू को लेंगे और एक पानी अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे। मेरे साइड से कुंदरू बोलते हैं, आपके साइड से क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कई जगह इसको टेंडी भी बोला जाता है। इसके बाद मैंने क्या किया, इन्हें छोटे और मोटे स्लाइसेस में कट कर लिया। आप चाहें तो लंबे स्लाइसेस में ये भी कट कर सकते हैं, ये टोटली डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे। और यहाँ पे मैंने लिया है दो मीडियम साइज का प्याज। प्याज को पील कर लेंगे और साथ ही साथ अगर आप मेरी रेसिपी को वॉच करते हैं, वीडियो पसंद आती है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। एक पानी प्याज को अच्छी तरीके से धो लेंगे। प्याज कट करते समय आंखों में लगेगा नहीं और प्याज बहुत आसानी से आप चॉप कर सकते हैं। तो प्याज को पहले बारीक चॉप कर लीजिए। जो सब्जी का बाउल है बहुत ज़्यादा भर गया, तो इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं बड़े से मिक्सिंग बाउल में, क्योंकि मिक्स करने में आसानी होगी। इसके बाद इसमें डालने के लिए मैंने लिया है लहसुन की कलियाँ। तो जो 10 से 12 लहसुन की कलियों को पहले अच्छी तरीके से पील कर लेंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मसाले के लिए मैंने लिया है 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच काली मिर्च और ये जो पील किया हुआ लहसुन है इसको आपको दरदरा कूट लेना है। आप चाहें तो मिक्सर जार में भी डाल के दरदरा ग्राइंड कर सकते हैं। इससे बहुत ही कम मसाले में बनी ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है। वैसे भी गर्मी में तेल मसाले खाने का बहुत ज़्यादा किसी का मन नहीं होता है, तो मैंने मसाले को दरदरा पीस लिया। इस मसाले को डाल देंगे कटी हुई सब्जी में। अब इसमें जाएगा कुछ बेसिक मसाले। तो बेसिक मसाले में मैंने लिया हल्दी का पाउडर, 1/2 चम्मच मैंने डाला लाल मिर्ची का पाउडर। मिर्ची कम या ज़्यादा टोटली डिपेंड करेगा आपके टेस्ट पे। इसके बाद इसमें जाएगा 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और जाएगा नमक आपके स्वाद अनुसार। नमक डालने के बाद सब्जी और मसालों को पहले अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि मसाला और सब्जी अच्छे से मिक्स हो जाए। इसी बीच कढ़ाई में सरसों का तेल डाल के मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। आप अपनी मनपसंद कोई भी कुकिंग ऑयल का यूज कर सकते हैं। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो उसमें थोड़े से मेथी दाना का तड़का लगाएंगे। मेथी दाना जब चटकना स्टार्ट करेगा तो इसमें डालेंगे सब्जी। तो सब्जी डालते समय ध्यान रखें कहीं छटक के हाथों पर ना आ जाए, क्योंकि तेल गर्म है तो हाथ के जलने का डर होगा। तो यहाँ पर मैंने सारी सब्जियाँ गर्मा गर्म तेल में डाल दी, इनको अच्छे से मिक्स करते हुए चला लीजिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको करना क्या है, इन्हें कवर करके कुक कर लेना है धीमी आंच पे, जब तक कि सब्जी हमारी अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाती। वैसे सब्जी को कुक होने में जो समय लगता है वो सिर्फ 7 से 8 मिनट लगता है, और तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। सब्जी हमारी बहुत अच्छी तरीके से गल चुकी है, आप देख सकते हैं। मैं इन्हें प्रेस करके आपको शो कर देती हूँ। ये देखिए सब्जी बहुत आसानी से प्रेस हो जा रही है। अब इन्हें बिना ढके हुए अच्छे से फ्राई कर लीजिए जब तक ये नाइस गोल्डन कलर में चेंज नहीं हो जाते। फ्राई होगा तो ये सब्जी और ज़्यादा टेस्टी बनेगी। लास्ट में मैंने डाला आमचूर पाउडर, कटी हुई हरी धनिया की पत्ती। इन्हें अच्छे से मिक्स कीजिए, गैस की फ्लेम को बंद कीजिए और गर्मा गर्म सब्जी को एंजॉय कीजिए पराठे के साथ या दाल चावल के साथ। रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।